कटनी से लाडली बहनों को ठगे जाने का एक मामला सामने आया है, जहां बिना लोन दिए ही महिलाओं को एक निजी बैंक ने कर्ज का नोटिस थमा दिया। मामला सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह दर्जनों महिलाओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और मामले की सख्त कार्रवाई की मांग की। हड़वाड़ा थाना क्षेत्र के लखाखेरा ग्राम में 40 महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। हड़कंप उस वक्त मचा जब 40 महिलाओं के पास बिना लोन लिए ही कर्ज चुकाने का नोटिस आ गया। ठगी का शिकार हुई महिलाएं बताती हैं कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा हमें 40,000 रुपए का कर्ज चुकाने का नोटिस दिया गया है, जबकि किसी भी महिला ने बैंक से लोन ही नहीं लिया था। थाना पहुंचकर शिकायत करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मामले को लेकर गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह दर्जनों महिलाओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने की सूरत में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ये सब कहीं न कहीं क्षेत्रीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, जो कि महिलाओं के नाम पर लोन समूह बनाकर और लोन लेकर और उनके साथ ठगी की जा रही है, जिसको लेकर लखखेरा ग्राम की लगभग 40 महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बड़वारा ने तहसीलदार महोदय के द्वारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनको बताया भी गया है कि हमारी मांगें यदि जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं तो हम ग्रामीणों और महिलाओं के साथ उग्र प्रदर्शन करेंगे। जिस मांगे भैया कि हमारा फिनकेयर बैंक से धोखाधड़ी से हमारे नाम से 3 बार लोन ले चुका गया और जमा भी कर दिया गया। लास्ट बार 45,000 लोन आया, हमारा पैसा हमारे ऊपर कर्जा है, माफ नहीं किया जा रहा। हम SP कलेक्टर सब जगह दे दिए कागज पर कोई सुनवाई नहीं। हम एक औरत का कम से कम 50 इतना है, ऐसा करके मान लो 40 औरतें हैं। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।